तो टॉपिक है फोर्स ऑन साइड वॉल ऑफ अ रैंडम शेप्ड वेसल। आपके पास सपोज करो एक वेसल है, और वेसल कैसा है, आपके पास वेसल कुछ ऐसा है जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है कुछ ऐसे, जिसके अंदर लिक्विड है, और लिक्विड की हाइट क्या है, h। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप एवरेज प्रेशर निकाल सकते हो साइड वॉल्स के ऊपर, बेस पे प्रेशर क्या होगा, एच रो जी, साइड वॉल्स पे क्या होगा, लास्ट टाइम तो किया एवरेज प्रेशर एच रो जी बाई टू, तो वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर है वो बेस के प्रेशर का हाफ माना जाता है, हमने मेथड किया था। तो ये एवरेज प्रेशर है। अब एवरेज प्रेशर है तो अगर मैं इसको एवरेज प्रेशर को एच रो जी बाई टू को इसके कर्व सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स आ जाएगी, राइट। वो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, कोई बताएगा, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, फोर्स की डायरेक्शन होगी, प्रेशर की नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो लिक्विड है, कोई भी पार्टिकल अगर आप सॉलिड का लेते हो तो लिक्विड का पार्टिकल हर तरफ फोर्स, हर तरफ से फोर्स लगेगी, पर नेट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द कंटेनर लगती है। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द कंटेनर है, तो इसकी डायरेक्शन फोर्स की क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द कंटेनर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने थोड़ा ये वेसल चेंज कर दिया। हमने वेसल कैसे लिया, हमने जो वेसल है वो स्ट्रेट वॉल्स लेने की बजाय टेढ़ी वॉल्स, स्लांटिंग वॉल्स ले ली। तो ये स्लांटिंग वॉल्स हैं, इसका बेस का एरिया कितना है, ए एरिया है, इसके अंदर लिक्विड है, लिक्विड का वेट कितना है, एम जी वेट है। अगर आप कोई भी पार्टिकल कंटेनर का लेते हैं, इस कंटेनर के पार्टिकल पे लिक्विड क्या लगाएगा, फोर्स, तो बदले में कंटेनर भी क्या लगाएगा, फोर्स, और ये फोर्स हमेशा क्या होगी, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो लिक्विड ने, लिक्विड के पार्टिकल्स ने, और हाँ ये जो फोर्स लगेगी दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो सरफेस के साथ ये एंगल हमेशा क्या लगेगा, 90, अभी डिस्कस किया। अगर ये सरफेस स्ट्रेट होती तो फोर्स परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल होती, ये टेढ़ी है तो फोर्स भी परपेंडिकुलर ऐसे बनेगी। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फोर्स ऑन साइड वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब अगर मान लो इस लिक्विड ने इस पार्टिकल पे साइड वॉल पे ये फोर्स लगाई, एक पार्टिकल के ऊपर, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो साइड वॉल पे ये फोर्स लगाई, तो साइड वॉल ने ये फोर्स लगाई जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो अगर मैं ये फोर्स निकाल दूं या मैं ये फोर्स निकाल दूं, बात एक ही है, कोई भी निकाल दो बात तो एक ही है। अब एक काम करते हैं, ये एक फोर्स है, इसके दो कॉम्पोनेंट्स बनेंगे फोर्स के, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ऐसे जितने भी पार्टिकल लोगे, फोर्स परपेंडिकुलर है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, तो फोर्स क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्योंकि लिक्विड की हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का नेट सम क्या होता है, जीरो। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को क्या करती हैं, कैंसल। क्या बचती है, सिर्फ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, वर्टिकल फोर्स। तो वर्टिकल फोर्स कितनी है इसकी ऊपर, एन का मतलब रिएक्शन, एन का मतलब फोर्स ड्यू टू वर्टिकल, एन ऑफ वी का मतलब फोर्स ड्यू टू वर्टिकल। तो ये वर्टिकल, इसका भी ऊपर, इसका भी ऊपर, सारे कॉम्पोनेंट्स ऊपर है, तो नेट फोर्स वर्टिकल कहां होगी, ऊपर। नेट फोर्स वर्टिकल को रिप्रेजेंट किया गया बाय सिग्मा ऑफ एन ऑफ वी, सिग्मा एन वी का मतलब, सिग्मा मतलब टोटल फोर्स जो वर्टिकल में है, इसको एन से रिप्रेजेंट किया। अब ये बताओ इस लिक्विड के लिए, इस लिक्विड का वेट कहां एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एम जी कहां पर है, नीचे। नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा ग्राउंड पे, ऊपर, क्योंकि वेट अगर नीचे लग रहा है फ्लोर पे, तो फ्लोर रिएक्शन कहां लगा रहा है, ऊपर, राइट। तो ये फ्लोर की फोर्स है एन वन, ये पानी का वेट है mg, और पानी के ऊपर वर्टिकल फोर्सेस कहाँ हैं, ऊपर। पानी तो इक्विलिब्रियम में है ना, पानी उछल थोड़ा रहा है ऊपर नीचे, तो रेस्ट पे है, तो यानी कि ऊपर की फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू नीचे की फोर्सेस। तो ऊपर की कौन कौन सी फोर्सेस हैं, ऊपर की फोर्स है n1, ऊपर की फोर्स है सिग्मा ऑफ nv, और नीचे की फोर्स क्या है, mg। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो सम ऑफ ऊपर की फोर्सेज इज इक्वल टू नीचे की फोर्सेज, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यहां से अगर क्वेश्चन में आए सिग्मा ऑफ एनवी निकालो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम तो जीरो ही आने वाला है, उसकी का कैलकुलेशन है ही नहीं, तो इसमें सिग्मा ऑफ एनवी क्या होगा, एमजी माइनस एन वन, और एन वन क्या होगा, एन वन का मतलब यहां की फोर्स, यहां का प्रेशर क्या है, एच रो जी, एच रो जी को एरिया से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो एच रो जी इंटू एरिया फोर्स। तो सिग्मा ऑफ
एनवी का मतलब वर्टिकल फोर्स निकालने का और कोई तरीका नहीं है, अदरवाइज इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। बिना इंटीग्रेशन के वन ऑफ द बेस्ट तरीका है ये। तो बिना इंटीग्रेशन के अगर वर्टिकल फोर्सेस निकालनी है तो ऐसे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। आपने याद नहीं करना, एनसीईआरटी में आता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो इररेगुलर सर्फेसिस हैं उनके ऊपर वर्टिकल फोर्सेस कैसे निकलती हैं। जैसे इस बार मैंने कंटेनर ही चेंज कर दिया उठा के। मैंने कंटेनर कैसे किया, टेढ़ा मेढ़ा सुराही की टाइप ले लिया। तो अब क्या हुआ इसमें, अब इसमें क्या हुआ, पार्टिकल्स लेंगे। अब इस पार्टिकल पी के ऊपर जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर बनेगी ऊपर, इसके ऊपर भी ऊपर, लेकिन इसके ऊपर नीचे, इसके यहां नीचे। अब देख रहे हो नेट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इस पॉइंट के लिए ये ऊपर है और इसके लिए नीचे है, यानी कि अगर आप इस वेसल को दो हिस्सों में बांट लें, ऊपर के जो हिस्से हैं उनके अगर आप फोर्स के कॉम्पोनेंट लें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ऊपर के हिस्सों के वर्टिकल फोर्सेस की डायरेक्शन कहाँ आएगी, नीचे। नीचे के हिस्सों के वर्टिकल फोर्सेस एन ऑफ वी क्या आएगा, ऊपर। अब चेक कर लो, इसके लिए जो कंपोनेंट बनेगा वो एन ऑफ वी ऊपर होगा, इसके लिए एन ऑफ वी नीचे। तो ये जितने भी पार्टिकल ऊपर दिख रहे हैं उसके लिए वर्टिकल फोर्सेस नीचे हैं, पर आधे कंटेनर के लिए वर्टिकल फोर्सेस ऊपर हैं। पर मेरे को तो टोटल नेट वर्टिकल फोर्स निकालनी है ऊपर नीचे मिला के। अब मुझे तो पता नहीं ना कि ऊपर के पार्टिकल की फोर्स वर्टिकल बड़ी होगी कि नीचे पार्टिकल की फोर्स बड़ी होगी। तो दो केस पॉसिबल है, वो कह रहे पूरी वेसल के लिए मान लो नीचे की वर्टिकल फोर्सेस बड़ी हैं और ऊपर की छोटी हैं, तो नेट वर्टिकल फोर्स अपवर्ड्स है, ऊपर की फोर्स बड़ी है। तो आपस में कैंसिल करने के बाद मान लो नेट वर्टिकल फोर्स ऊपर आती है, पर दूसरा केस है मान लो नेट वर्टिकल फोर्स नीचे आती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें नहीं पता क्या होगा, तो हम दो केस बना लेते हैं। फ्लोर के ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ही लगेगा एन वन, और पानी का वेट तो नीचे ही लगेगा, वो तो सदा ही नीचे है वेट तो, और एन वन हमेशा ही ऊपर है। तो केस नंबर वन में वेट नीचे है, मान लो वर्टिकल फोर्स अपवर्ड है और एन वन भी ऊपर है, तो इक्विलिब्रियम के लिए सम ऑफ ऊपर की फोर्सेज इक्वल टू नीचे की फोर्सेज, यहां से सिग्मा एन वी कैन बी कैलकुलेटेड। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एन ऑफ वी डाउनवर्ड होता, अगर तो एन ऑफ वी डाउनवर्ड है, एम जी नीचे, एन वन ऊपर है, तो अगेन ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स। ऊपर की फोर्स क्या है एन वन, नीचे की फोर्स क्या है एम जी प्लस सिग्मा एन वी, सिग्मा एन वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कॉन्सेप्ट है, मैं फिर कह रहा हूं ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन देखना है इसके ऊपर तो ये क्वेश्चन है। एक बार देखें प्लीज क्या करेंगे इसमें, कितने लोगों को समझ में आ रहा है इसको कैसे करना है। बोलो सर, तो ये हमारा वेसल जो फोर्स लगा रहा है ये अप थ्रस्ट में हेल्प करेगा, जैसे कि अप थ्रस्ट कैसे? अप थ्रस्ट अलग है, अप थ्रस्ट तो तब लगता है जब इसके अंदर कोई बॉडी को घेरा जाए, घेरा, ये वेसल की फोर्स है, बाउंड्री की फोर्स है ये, इसका अप थ्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, अप थ्रस्ट वी ओ जी रहेगा। तो जैसे मान लो इस बार जो वेसल है वो ऐसी है, ये ऐसी स्लांट है। अब सोचो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये बनेगा एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, और इसके अगर मैं नेट फोर्स लूँ तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और एम जी कहाँ है नीचे, एन वन कहाँ है ऊपर। तो इसमें सारी वर्टिकल फोर्सेस का एन ऑफ वी कहाँ है नीचे, तो सिग्मा एन वी कहाँ पर है नीचे, वेट हमेशा ही नीचे, एन वन हमेशा ही ऊपर। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या बनेगी, ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ नीचे की फोर्स, तो यहाँ से सिग्मा ऑफ एन वी आ जाएगा। एन वन क्या है, बेस का प्रेशर एच रो जी और इसका एरिया ए, तो एच रो जी इंटू एरिया ए माइनस एम जी आंसर। तो अब एक चीज ये भी नोट करें, अगर आपका वेसल ऐसे है ऐसे ऐसे तो नेट वर्टिकल फोर्सेस ऊपर है, लेकिन अगर आपका वेसल ऐसे तो नेट वर्टिकल फोर्स नीचे है। ना तो इन टाइप के क्वेश्चन में एम जी ने चेंज होना है, ना इन टाइप के क्वेश्चन में एन वन ने चेंज होना है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कोई भी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो एक काम करते हैं आगे बढ़ने से पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व, इस पे एक दो क्वेश्चंस हैं जो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन है, इसको लगा के देखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को रीड करें। देखो इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कॉनिकल वाइन ग्लास है इज फिल्ड विद वाटर, तो पानी से भर दिया आपने, एंड इज प्लेस्ड इन इन्वर्टेड पोजीशन अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर उल्टा रख दिया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब शो दैट रिजल्टेंट वर्टिकल थ्रस्ट ऑफ द वाटर ऑन द ग्लास, पानी ग्लास पे जो फोर्स लगाएगा, वर्टिकल थ्रस्ट लगाएगा, वर्टिकल फोर्स लगाएगा, एन ओ वी की बात कर रहा है, सिग्मा एन वी, जो पानी लगाएगा कंटेनर के ऊपर, कंटेनर भी पानी के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम पानी के ऊपर क्या फोर्स लगी वो निकाल लेते हैं, कंटेनर के ऊपर भी एग्जैक्टली सेम ही आंसर है। तो रूल वही है, टेढ़े मेढ़े जितने भी कंटेनर हैं उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ये नेट, ये फोर्स है परपेंडिकुलर, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ मिलेगा इसमें, नीचे, बस यही देखना होता है। वर्टिकल कंपोनेंट नीचे है, वेट तो हमेशा ही नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही ऊपर है, तो इक्विलिब्रियम बना लो ना, ये आपकी नीचे की फोर्सेज, ये आपकी ऊपर की फोर्सेज, आपको क्या निकालना है, सिग्मा एन वी, सिग्मा एन वी वर्टिकल फोर्सेस निकालनी है। तो इसमें एन वन क्या होगा, यहाँ बेस का प्रेशर एच रो जी इंटू यहाँ का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, और एम जी में मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी। तो इनको माइनस करके आपके पास ये टर्म आ गई, इस टर्म में ये क्या है बेस का एरिया, और ये क्या है एच रो जी बेस का प्रेशर, बेस का एरिया इंटू बेस का प्रेशर इज बेस का थ्रस्ट। ये प्रूव करना था कि जो वर्टिकल फोर्स है वो 2/3 ऑफ थ्रस्ट ऑन बेस है, मतलब करना वही है, टेढ़े मेढ़े जितने भी वेसल्स हैं उसमें यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो एन ऑफ वी का। ठीक, जैसे ये नेक्स्ट है, क्वेश्चन चेंज कर दिया, सेम डिटो सेम क्वेश्चन है, फिर से सिग्मा एन वी निकालना है लेकिन फिगर चेंज कर दी, कोन की जगह हेमिस्फेयर ले लिया, तो क्या फर्क पड़ गया आप बस ये बताओ, सिग्मा एन वी ऊपर की नीचे, तो जैसे कोई पार्टिकल ड्रॉ करो ये परपेंडिकुलर फोर्स है तो सिग्मा एन वी कहाँ होगा नीचे, तो फिर सेम रूल है, सिग्मा एन वी नीचे है, वेट भी नीचे है, एन वन ऊपर है, तो यहां से सिग्मा एन वी निकालना है एन वन माइनस एम जी, एन वन क्या होगा यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर क्या है एच रो जी, अब यहाँ पर एच और आर एक बराबर है क्योंकि हेमिस्फेयर है, हाइट और रेडियस एक ही बात है, तो एच रो जी इंटू एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच रो जी, और मास क्या होगा इसमें वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, अब यहाँ पर एच और आर एक बराबर है, एच को आर पुट कर दो आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब, तो ये टर्म आ गई, दोनों को माइनस करेंगे तो ये टर्म आ गई, आर क्यूब को ब्रेक कर लो आर स्क्वायर इंटू आर, तो पाई आर स्क्वायर फिर से क्या आ गया बेस का एरिया, और एच रो जी क्या आ गया प्रेशर, एरिया इंटू प्रेशर इज थ्रस्ट 1/3 है, तो कोन में जो नंबर 2/3 है और हेमिस्फेयर में वो नंबर 1/3 है, मेथड सेम है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि वर्टिकल फोर्सेज का कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व होगा इसमें, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन एक बार चेक करें प्लीज, कॉम्पिटिशन के लिए नॉट फॉर एनसीईआरटी है, ये तीनों क्वेश्चन पे मतलब नॉट फॉर एनसीईआरटी रहेगा, कम से कम इस पे तो पक्का ही रहेगा, वो भी नहीं आते वैसे।
क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है, आपको किस एंगल से सिलेंडर है, ये था सिलेंडर था, उसमें से नीचे से काट दिया, तो डायमीटर 2R का ये सिलेंडर नीचे से काट, ऊपर से ही आपको सर्कल दिखेगा पाई आर स्क्वायर, नीचे से कटा हुआ दिखेगा। क्वेश्चन है, इसका मास m है, रस्सी से टांग दिया, इसका वॉल्यूम v है, ये पोर्शन h हाइट पर है, आपको बताना है कि हाउ मच फोर्स ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर एक्सपीरियंसेस बाय द लिक्विड। तो ये जो सिलेंडर है, ये नीचे से लिक्विड की वजह से ऊपर की तरफ क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये क्वेश्चन है। क्या मैं इसे इस फोर्स का नाम अपथ्रस्ट दे सकता हूं, हाँ या ना? ना। इसलिए अपथ्रस्ट का मतलब होता है ऊपर की फोर्स F1, नीचे की F, अपथ्रस्ट का मतलब होता है F-F1। उसने सिर्फ नीचे की ही फोर्स पूछी, उसने ऊपर की पूछी नहीं। हाँ, अगर वो नेट फोर्स पूछता फिर तो अपथ्रस्ट ही पूछ रहा था, तो वो आपसे सिर्फ पानी की वजह से नीचे की फोर्स पूछ रहा है कितनी है। तो आप स्टार्टिंग यहीं से करोगे, अप थ्रस्ट इज F-F1। तो अगर आप मुझे U बता दो, अगर आप मुझे इसमें F1 बता दो, तो मैं आपको सॉल्व करके क्या बता दूंगा, F बता दूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये मान लो एक सिलेंडर है, ये एच हाइट है, तो यहां से जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, ये हाइट क्या है एच, तो यहां पर प्रेशर क्या लगेगा ऊपर की सरफेस पे, एच रोजी, और ऊपर का सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, एक फोर्स आ गई ऊपर की। नीचे की फोर्स तो मुझे वैसे ही निकालनी है, इसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो अपथ्रस्ट क्या होता है, यू, अपथ्रस्ट होता है नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स, तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वी रो जी, लेकिन डेंसिटी किसकी यूज करनी होती है, लिक्विड की, तो वी रो जी। तो यहां से सॉल्व करके क्या जाएगा, एफ, एफ टू की वैल्यू क्या होगी, एफ टू की वैल्यू निकाल चुके हैं, अपथ्रस्ट की वैल्यू निकाल चुके हैं, ऐड कर दें, या आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऑप्शन दिखेगा। तो ऐसी ये कटी हुई फिगर्स, रैंडम फिगर्स का कॉन्सेप्ट ही यही है, या तो अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगी या फिर डेल्ट सिग्मा ऑफ एनवी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगी। ठीक है यहां तक? इसमें ये नॉन मेडिकल के लिए है, सिर्फ मेडिकल में चांस थोड़ा कम है, फिर भी सुन सकते हैं मेडिकल वाले। ठीक, तो क्या क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो ये एक कंटेनर है, फिर से, तो इसमें जैसे ये कंटेनर है, और इस कंटेनर या कोई भी कंटेनर की वॉल है, रेक्टेंगुलर वॉल है, ये 2 एरिया और ये 1 लेंथ है, ये 2 लेंथ है, आपको क्वेश्चन में वो कहेगा कि बेस के ऊपर फोर्स बताओ क्या लगेगी, जो बेस होगा इसका, बेस क्या होगा उसका एरिया क्या होगा, जो बेस का एरिया गिवन है इसमें 3/2, और प्रेशर क्या होगा, एच रो जी, एच कितना, 1 रो जी, 1 रो जी को एरिया से मल्टीप्लाई करके नेट फोर्स बॉटम पे आ जाएगी फ्लोर के ऊपर, एक पार्ट। फिर अगला पार्ट पूछ सकता है फोर्स ऑन स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब एक पट्टी लो, इसके ऊपर फोर्स निकालो, तो छोटी फोर्स निकलेगी, तो ये जो फोर्स निकलेगी क्योंकि ये 2 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, 2 मीटर ही रहेगा, तो क्योंकि ये 2 मीटर है और ये जो है ये dx है, एट अ डिस्टेंस ऑफ x आपने लिया, तो इसका एरिया क्या बनेगा, 2 into dx, और यहां पर प्रेशर क्या होगा, एक्स रो जी, एक्स रो जी, तो प्रेशर इंटू एरिया क्या बनेगा, स्मॉल फोर्स, तो स्मॉल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी dx की फॉर्म में। अगर वो ये पूछ ले फाइंड टोटल फोर्स, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में एक्स की लिमिट क्या लगेगी, ये हाइट क्या है, 1 मीटर, तो 0 से लेके 1 मीटर की हाइट लगेगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? ये ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, कैसे करना है, जब मैंने एवरेज प्रेशर की वैल्यू बताई थी। तो अभी मान लो वो कहेगा कि टॉर्क निकालो बॉटम के अबाउट, टॉर्क, टॉर्क कैसे निकालो, देखो टॉर्क इस ट्रिप का निकालना है बॉटम के अबाउट, इस ट्रिप पे जो फोर्स है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर वाले पार्ट में, ये फोर्स है और बॉटम ये है, बॉटम से इसकी दूरी कितनी है, 1 - x, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डीएफ को क्या करेंगे, इस फोर्स को 1 - x से मल्टीप्लाई, तो स्मॉल टॉर्क आएगा। टोटल टॉर्क निकालना है, इंटीग्रेशन 0 से लेके जो भी हाइट लोगे। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि ये नेट फोर्स, नेट टॉर्क, इस टाइप की प्रॉब्लम्स कैसी आ सकती हैं जो बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन हैं।